नमस्कार दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कभी भी भूल कर ना करें ये काम, ये पांच काम जो व्यक्ति को कभी भी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं चाणक्य जी क्या कहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। जो लोग झूठ का साथ देते हैं वो हमेशा ही गरीब रहते हैं, ऐसे लोग उम्र भर गरीब रहते हैं। तो आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। नंबर दो, चाणक्य जी बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, जो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोग भी कभी अमीर नहीं बनते। क्योंकि दोस्तों, स्वच्छ शरीर में ही माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर टू, चाणक्य जी बताते हैं कुछ लोग पेट भर जाने के बाद भी खाते हैं। खाने से उनका पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। चाणक्य जी कहते हैं ऐसे लोगों के पास भी कभी पैसा नहीं रुकता, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा नियम अनुसार ही खाना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं ऐसे लोग भी कभी धनवान नहीं बनते जो लोग सूर्य उदय के बाद उठते हैं। आलसी कामचोर लोगों के ऊपर कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। चाणक्य जी कहते हैं जो लोग प्रतिदिन अपने दांत साफ नहीं करते हैं और मुंह में हमेशा उनके मुंह से गंद आती हो, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी बहुत दूर रहती हैं। पांचवी बात यह है कि दोस्तों, कभी भी अपने घर में बहन या माँ या पत्नी का अपमान ना करें। चाणक्य जी बताते हैं जो लोग अपनी पत्नी को धुतकारते हैं, उनका अपमान करते हैं, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म में औरत को, महिलाओं को लक्ष्मी जी का, औरत को मतलब यानी कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए जो लोग औरतों को धुतकारते हैं, ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी बहुत दूर रहती हैं। यानी कि औरत का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, माता लक्ष्मी का अपमान करना होता है। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो भूलकर भी ऐसी आदतें ना बनाएं। जय हिंद, जय भारत।